दोस्तों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज देखिए, आज हम रेहू मछली बनाएंगे। मछली बना के हम शुरू करते हैं और वीडियो आप लोग बना रहिएगा। दोस्तों यही रेहू मछली है, मछली लिए हम हाफ के जी। अब इसको हम धो लेते हैं। मछली को पंख काट लेते हैं। देखिए मछली हम काट लिए हैं और मछली हम चले धो लेते हैं। मछली हम धो लेते हैं। मछली हम धो लिए हैं, कुछ साफा मछली धो ली हैं। मछली भी ठोक देते हैं, चूल्हा धरा लिए हम, कढ़ाई बैठा देते हैं। कढ़ाई गर्म हो गया और इसमें सरसों का तेल डाल देते हैं। मछली में हम थोड़ा हल्दी पाउडर और थोड़ा नमक मिला लेते हैं। नमक हल्दी मिलाने से इसको जितना करवाइन वाले कट जाता है सब मछली के। कढ़ाई में हम तेल डाल दिए थे, तेल में से धुआं दे दिया है। अब इसमें हम मछली डालते हैं। अब देखिए तेल में धुआं दे रहा है, तेल में से धुआं दे देने से कढ़ाई मछली पकड़ता नहीं है। मछली दोनों तरफ हम लाल भून लिए, लाल कर लिए। हम मछली काट लेते हैं। ये मछली बचा हुआ है, इसको भून लेते हैं। मछली हम सब भून लिए, मछली निकाल लेते हैं। अब मछली भून लिए। फोरन में डाल देते हैं, चार लहसुन की जवा डाल दिए फोरन में। हरा मिर्चा और थोड़ा सरसों, लाल वाला सरसों, काला वाला सरसों डाल दिए। फोरन लाल हो गया, अब फोरन मसाला भून लेते हैं।
मसाला में हम स्वाद अनुसार नमक डाल के भून लेते हैं। नमक डाल के भूनने से मसाला पक जाता है। मसाला भून लिए, मसाला में पानी डाल देते हैं। मसाला बढ़िया से भून गया अच्छी तरह से। पानी डाल दिया मसाला में। मसाला खोल गया। मसाला खोल जाने से मछली डाल देते हैं। मछली सब डाल दिए। अब मछली में हम डालने के लिए एक टमाटर लिए हैं। टमाटर हम काट लेते हैं। टमाटर डाल देते हैं। धनिया पत्ता थोड़े लिए हैं। धनिया पत्ता काट लेते हैं। मछली में हम धनिया पत्ता डाल देते हैं। मछली बन के तैयार हो गया है। अब हम मछली उतार लेते हैं। दोस्तों मछली बन के तैयार हो गया। आज हम तो भात बना नहीं सके। दोस्तों शाम हो गया, आज भात बना नहीं सके। आप लोग कमेंट में लिख के बताइएगा जो मछली बनाने का तरीका कैसा लगा। फिर हम आप लोग से अगला रेसिपी मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।